के अभाव में रहने वाले लोगों की जिंदगियों को बेहतर करें, इसके लिए वो उन्होंने जो जिम्मेदारी निभाई है उसके लिए मैं इन सबको बधाई देता हूं। रोटरी क्लब इंटरनेशनल एक बहुत पुरानी संस्था है, देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर इंटरनेशनल रोटरी क्लब ने सामाजिक सेवा, मानवीय सेवा, अभाव में रहने वाले लोगों की जिंदगी को बेहतर करना, शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, अन्य कई क्षेत्रों के अंदर पूरे विश्व में रोटरी क्लब काम कर रहा है। उसी का ही एक ये चैप्टर जिसका लक्ष्य मानवीय सेवा है और किस तरीके से हम सेवा समर्पण के साथ लोगों की सेवा कर सकते हैं, इस काम के संकल्प के साथ ये दायित्व निभाया है। ये पद और ये दायित्व जिन लोगों ने संभाला है वो इसलिए बधाई के पात्र हैं कि इसमें यश और लाभ नहीं है। ये दायित्व तो सामाजिक सेवा, मानवीय सेवा, अपने धन को किस तरीके से समाज सेवा में लगा सकते हैं, इस समर्पण के साथ ये दायित्व निभाया है। उन सभी पदाधिकारियों और सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। हमारी देश की संस्कृति और संस्कार में सेवा और समर्पण का भाव है, इसलिए जब दुनिया को हम देखते हैं तो देखते हैं कि किस तरीके से इतने बड़े देश के अंदर इतनी भौगोलिक स्थिति, इतनी बड़ी जनसंख्या, लेकिन कोई भी संकट, कोई भी आपदा आती है तो उस आपदा संकट के समय संपूर्ण देश सामूहिकता के साथ उसकी चुनौती को लड़ता है। ये हमारे प्राचीनतम संस्कार है और इसलिए सरकार अपना काम करती है। जब राजे रजवाड़े होते थे, राजा रजवाड़े अपने काम करते थे, लेकिन राजा रजवाड़े और सरकार के बाद भी समाज का सामूहिक प्रयास हर चुनौतियों को मुकाबला करने के लिए सक्षम होता था। इसलिए हम कई उदाहरण आजादी के पहले भी देख सकते हैं कि जब जब राजाओं के पास धन की अभाव हो जाता था तो समाज आगे बढ़कर सेवा करता था। विशेष रूप से उस समय अकाल की स्थितियां ज्यादा होती थी, उस अकाल के समय वहां का अन्नदाता किसान अपने सारे अन्न के भंडार समाज को समर्पण कर देता था।
काफी वर्षों के बाद एक विश्वव्यापी चुनौती महामारी हमारे देश में भी आई, विश्व के और देशों में भी आई। बड़े बड़े विकसित देशों के आर्थिक और सामाजिक ढांचा चरमरा गया, क्योंकि दुनिया को जब आप देखोगे तो कहीं लगेंगे कहीं 1 करोड़ का देश है, कहीं 10 लाख का देश है, कहीं 50 लाख का देश है, कहीं 5 करोड़ का देश है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश, उस हिसाब से हमारे पास चिकित्सा के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी। सारा देश चिंतित था, तनाव में था, अगर ये संक्रमण और फैल गया तो क्या स्थिति होगी। लेकिन उस चुनौती को, आपदा को का मुकाबला किया तो समाज ने किया, सामूहिकता के साथ किया, स्वयंसेवी संस्था ने किया, आप जैसे क्लब के लोगों ने किया। किसी के पास अन्न की कमी है तो अन्न पहुंचाया, दवा की कमी है तो दवा पहुंचाई, ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन पहुंचाई, जिससे जो बन सकता था उन्होंने समाज को समर्पण किया। और धीरे धीरे यही पद्धति में देख रहा हूं, धीरे धीरे सेवा का कार्य लगातार देश में बढ़ रहा है। कई समाज के कई क्षेत्रों में नैतिकता या नैतिकता का ग्राफ गिरा होगा, लेकिन धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि आजादी के जब 75 साल हो रहे हैं तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कुछ न कुछ सेवा करूं, समर्पण करूं, और इसीलिए इस क्लब के नए सदस्य बने। अपनी सेवा भी देना चाहते हैं, धन भी देना चाहते हैं, अपना योगदान देना चाहते हैं कि उनके माध्यम से भी समाज में कुछ न कुछ परिवर्तन हो। ये संस्कृति और ये संस्कार जो हमारे पूर्वजों में थे, आज आजादी के बाद मैं कह सकता हूं ये संस्कृति संस्कार और बढ़े हैं। आध्यात्मिक की तरफ भी हमारा देश आगे बढ़ा है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान से ही सेवा का भाव पैदा होता है। अब परिग्रह हमारा कुछ नहीं, सब कुछ समाज का है, समाज से कमाया, समाज को समर्पण करना है, ये भाव और पैदा हुए हैं। और आप जैसी संस्था ये भाव को और पैदा करेगी ताकि और लोग समाज में इस सेवा भाव के साथ जुड़े। मेरा आप लोगों से इतना ही आग्रह है कि हमें कुछ चुनिंदा विषयों को लेकर सभी कोटा में अलग अलग सामाजिक संस्थाएं जो काम कर रही है, वो सामाजिक संस्थाएं एक एक प्रोजेक्ट को लेकर एक लंबी कार्य योजना बनाए, और जब तक समाज के उस अंतिम व्यक्ति के जीवन को नहीं बदल दें, जब तक उस पर कार्य करते रहें। क्योंकि रोटरी इंटरनेशनल ने जब बीड़ा उठाया कि हमें देश के अंदर पोलियो समाप्त करना है और पूरे विश्व के अंदर इस काम के जुटे, और आज दुनिया से पोलियो समाप्त होता जा रहा है। अब दुनिया के जितने देश है, चाहे यूएन हो, सब देशों ने एक लक्ष्य बनाया कि हम एसडीजे के गोल को 2030 तक पूरा करें, और इसके लिए सब देश सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। भारत ने भी एसडीजे के कुछ
बिंदुओं पर काम करना शुरू किया है। भारत सरकार ने कहा है कि 2025 तक हम देश के अंदर टीवी को समाप्त कर देंगे। मैंने भी संसद के अंदर माननीय संसद सदस्यों को बुलाकर चर्चा की कि हमें भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा ज्यादा दायित्व बन जाता है कि समाज के हर क्षेत्र के अंदर एक कार्य योजना बनाकर एक संकल्पता के साथ, समयबद्धता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ काम कर हमें समाज जीवन को बदलने की आवश्यकता है। और इसके लिए जब सब मिलकर काम करेंगे तभी हम लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। मुझे आशा है रोटरी क्लब राउंड टाउन भी आज इस संकल्प के साथ कि हमें इस क्षेत्र के अंदर एक निश्चित अवधि के अंदर लोगों की जिंदगियों को बल परिवर्तन करना है और मेरे जिले के अंदर, मेरे क्षेत्र में जो ये अभाव है, इस अभाव को भी पूरा हम मिलकर करेंगे तो निश्चित रूप से कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के अंदर हम जो लक्ष्य तय करेंगे उनको पूरा करने में कामयाब होंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होते नाते मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि देश के अंदर हम उदाहरण पेश कर सकें कि हमने इन बिंदुओं पर, इन लक्ष्यों पर काम किया और सफलता हासिल की तो पूरे देश के अंदर एक मार्गदर्शन की भूमिका हम निभा सकते हैं। मुझे आशा है कि आप इसी तरीके की कार्य योजना बनाएंगे और जिस लक्ष्य के लिए आप, जिस दायित्व के लिए आपने रास्ता चुना है उस मंजिल को निश्चित रूप से पाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।